प्रदेश में उपचुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। सोमवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुनासा जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। इसके पहले एसीएन भारत के साथ खास एक्सक्लूसिव चर्चा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा से यदि कांग्रेस के नेता मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सियासी हमला करते हुए कहा, वह मेरी उम्र को लेकर हमेशा बयानबाजी करते हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से खास बातचीत की हमारी पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, दमोह उपचुनाव से उत्साहित कांग्रेस, क्या लग रहा है अभी चार उपचुनाव है? मुझे पूरा विश्वास है खंडवा लोकसभा की जनता पर कि वह सच्चाई का साथ देगी जी। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, सड़कों की जो हालत है, आज मतदाता गवाह है और मतदाता अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, आजकल जो है बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग जो है उस पर बहुत बात होती है, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कंटिन्यूस आपके उम्र को जो है वो मुद्दा बना रही है, आप क्या कहेंगे? मेरी उम्र वो कुछ भी मुद्दा बनाएंगे, शिवराज सिंह को जी को केवल कमलनाथ ही दिखते हैं। अब वो उम्र को क्या मैं आपको बुजुर्ग लग रहा हूँ, बूढ़ा लग रहा हूँ? नहीं, तब शिवराज सिंह को मैं बूढ़ा लगता हूँ, मैं गूंगा लगता हूँ, मैं बहरा लगता हूँ, पर उनकी तो आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, उनका मुंह बहुत चलता है। सर, एक सवाल, बस एक सवाल, आपके इतने सारे नेता जो हैं कंटिन्यूसली जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से मिल रहे हैं, पहले जो है अजय सिंह जाके मिले, अब जो आज जो सज्जन अपने काम होते हैं और क्यों ना मिले, सब मिले, नहीं तो ओपनली मिल रहे, तो क्या वो मिल रहे हैं, कौन सा गुप्त मिल रहे हैं? नहीं तो क्या आप पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कि आप उनको भाव दें? नहीं, उनकी देखिए सब व्यक्तिगत मिलते हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है। चलो चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, जो जिनका मानना है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जो है अच्छा प्रदर्शन रहेगा। एशियन भारत के लिए खंडवा से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।